महोदय, यहाँ यह उल्लेखनीय है कि शीत युद्ध की समाप्ति व समाधान की घटनाओं तथा अफगानिस्तान से सोवियत सेना की वापसी से हुआ है। अफगानिस्तान में लंबे अरसे तक चला युद्ध सोवियत संघ के अस्तित्व के लिए कष्टदायी और मुश्किल हो गया। इस भयावह युद्ध से सोवियत सेनाओं की वापसी से अनेक घटनाओं ने जन्म लिया, जिनकी परिणत शीत युद्ध की समाप्ति से हुई तथा जिसमें जर्मनी के एकीकरण तथा सोवियत संघ का विघटन शामिल है। संक्षेप में, शीत युद्ध का और इस तनाव का एशिया की एकता पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। एशिया के सभी देश यह चाहते थे कि क्षेत्र में शांति बनी रहे। चीन और सोवियत संघ का सीमा विवाद, चीन और वियतनाम का झगड़ा और भारत व चीन का सीमा विवाद उस समय की परिस्थितियों को स्पष्ट करता है। इस तरह से पाकिस्तान पूरी तरह से फिलीपींस के मध्य अमेरिका के खेमे में चला गया था। जापान अपने अधिक और व्यापारिक संबंधों के कारण पश्चिम के देशों में सामीप्य स्थापित कर रहा था। इससे एशिया की एकता को एक नया धक्का लगा है, क्योंकि एशिया के देश अलग अलग खेमों में बट गए थे। 1960 के दशक में एक नया मोड़ आया, जब शीत युद्ध के समय में आसियान के नाम से एक नए गुट का प्रादुर्भाव हुआ। इससे दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में नए आर्थिक और सुरक्षा संबंधी प्रयास किए गए। इन देशों में सांस्कृतिक एकरूपता की वजह से भी एक नए गुट ने जन्म लिया। लेकिन यह कहना कठिन होगा कि इस दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से समूचे एशिया को पहचान या एकता बनाने में सहायता मिली है या उससे सब धक्का लगा है, क्योंकि इन देशों ने अपनी नीति बहुत स्पष्ट नहीं की और केवल अपने ही गुट के अंदर भूमिपुत्र नीति को जन्म दिया। भारत भी अब आसियान का सहयोगी सदस्य बनने जा रहा है। भारत की पहल से दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन न्यूयॉर्क को स्थापना सन 1985 में की गई, जिसके परिणाम स्वरूप पड़ोसी देशों के आपसी सहयोग के लिए नया वातावरण तैयार हुआ। यह प्रयास सनह सनह उपयोगी रूप लेता जा रहा है, जो एशिया की पहचान बनाने की ओर महत्वपूर्ण कदम है। व्यापार, निवेश, तकनीकी ज्ञान, संचार माध्यमों में बढ़ोतरी ने विश्व गांव के विचार को भी पैदा किया। बढ़ते हुए व्यापार, निवेश, संचार एवं विज्ञान की आधुनिक तकनीकों ने पूरी दुनिया में एक दूसरे पर निर्भर रहने के नए विचारों को जन्म दिया। अंग्रेजी भाषा, हॉलीवुड, कंप्यूटर्स और उपभोक्ता संस्कृत ने पूरे विश्व को प्रभावित किया, जिससे देशों में फासले कम हुए। संस्कृति और सभ्यता भी प्रभावित हुई। हो सकता है कि इसके अच्छे परिणाम ना हों, ऐसी भी आशंका की जाती है। उदाहरणतः जापान दूसरे महायुद्ध तक अपनी संस्कृति और सभ्यता व संयुक्त परिवार जैसी आधारभूत सामाजिक मान्यताओं को केवल अपनाए हुए नहीं था, बल्कि उससे चिपटा हुआ था। लेकिन जापान जैसे सभ्यता वाले देश भी यूरोप के प्रभाव से बच नहीं सके। महोदय, दूसरे शब्दों में आर्थिक
व्यापारिक, निवेश और तकनीकी कारणों से द्वितीय महायुद्ध के बाद और शीत युद्ध के दौरान एशिया के देशों में पुनः दुधलापन पैदा हुआ। लेकिन यह बात सही नहीं है कि एशिया की संस्कृति और सभ्यता को पश्चिम के प्रभाव और आधुनिकतम तरीकों ने नष्ट कर दिया। हाँ, एक धक्का जरूर दिया, पर समय समय पर एशिया का यह रूप, एशिया की यह सभ्यता और संस्कृति बलशाली तरीके से उदयमान होती दिखाई देती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1945 में अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा कि हजार वर्षों से जब यूरोप अपने अंधकार के युग में था, एशिया ने अपने मनुष्यों को, प्रगतिशील आत्मा को प्रभावशाली ढंग से दर्शाया। उन्होंने यह विश्वास भी जताया कि एशिया की संस्कृति और सभ्यता यूरोप की संस्कृति और सभ्यता से अधिक प्राचीन है। आज के दिनों में भी चीन के नेता अपने यहाँ आध्यात्मिक क्रांति की बात करते दिखाई देते हैं और अपने आर्थिक विकास को भी प्रतिबिंबित करते हैं। मलेशिया के प्रधानमंत्री भी बड़े गर्व के साथ मलेशिया के रास्ते की बात करते हैं और आधुनिकता और पारंपरिक संस्कृति के मिश्रण से मलेशिया का विकास करना चाहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री भी मध्य मार्ग की बात करते हैं, जिसको ये भारत का पारंपरिक विचार कहा करते हैं। वियतनाम के यशस्वी नेता भी साम्यवादी विचारधारा को पारंपरिक सहिष्णुता के अनुसार ढालना चाहते थे। एशिया के इन सब नेताओं को समय समय पर की गई घोषणाओं का वर्तमान संदर्भों में पूरा अर्थ लिया जाना चाहिए, जो एशिया की पहचान को नए सिरे से बनाने में सहायक सिद्ध हो रहा है। यहाँ यह भी बताना उचित होगा कि एशिया के हाल के वर्षों में एशियाई देश, विशेष रूप से पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के देश, एशिया के सुदृढ़ देशों के रूप में उभरे हैं और इन देशों के आर्थिक विकास की दर विश्व के किसी भी अन्य देश के आर्थिक विकास की दर से अधिक है, जिनके आने वाली शताब्दी में विश्व आर्थिक व्यवस्था के निर्माताओं के रूप में उभरने की आशा है। आर्थिक सफलता की इन कहानियों का श्रेय मुख्य रूप से अनुशासित कार्य, किफ़ायत एवं बचत की ऊंची दरों जैसी एशियाई विशेषताओं को जाता है तथा इनसे देशों की जनता के जीवन स्तर में सुधार आया है और एशिया की पुनः खोज जैसा वातावरण बन रहा है। एशिया के देशों में अब आपसी भाईचारे की भावना उभर रही है और इससे ये देश परस्पर निर्भर हो रहे हैं तथा शीत युद्ध के प्रभाव से मुक्त होते जा रहे हैं। हमारी सरकार ने अपने एशियाई पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंध बनाने में पहल करके इस बदलते रुख के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाया है। इन सब प्रश्नों का जवाब आज उपलब्ध नहीं है, लेकिन सनह इन प्रश्नों में ही इसके उत्तर मिलेंगे। एशिया अपने इन प्रश्नों के उत्तर में एक नए एशिया को जन्म देगा और अपनी एक नई पहचान बनाएगा। यूरोप और अमेरिका के आधुनिक औद्योगिक विकास में फर्क नज़र आता है।